ओम श्री सतनाम साखी जय श्री कृष्ण। परम श्रद्धेय सद्गुरु स्वामी शांति प्रकाश जी महाराज के सत्संग प्रवचनों का संकलन सत्संग वर्खा भाग 7 प्रवचन 2 भव सागर से पार कैसे हों। सद्गुरु महाराज ने अपने प्रवचन में बताया, एक बार कुछ जिज्ञासु मिलकर सद्गुरु स्वामी टेऊ राम जी महाराज के पास आए। महाराज जी ने कहा, भाई भली आए, कहो किस विचार से आए हैं। तो उन्होंने कहा, साईं, जीव इस भवसागर से पार कैसे हो। हे गुरुदेव, कृपा करके इसका सरल उपाय बताएं। प्रेमियों की जिज्ञासा सुनकर सद्गुरु महाराज जी मुस्कुराने लगे और उन्होंने उन जिज्ञासुओं को कौन सा उपाय बताया वो सुनिए। पाल तरन लै कली काल में साधन दो ना टिकुन ख्याल में सिखिया इया मन में धार शरण गुरु वजी वद तू प्यारे। महाराज जी ने कहा, प्रेमियों, आपने जो प्रश्न पूछा है वो बहुत सुंदर है कि मनुष्य इस भव सागर से पार कैसे हो। सो भाई, इसका उपाय है, पहले गुरु का सहारा, दूसरा संयम। संयम किसे कहते हैं? इंद्रियों को वश में करना। इंद्रियां 10 हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां। इनमें ज्ञान इंद्रियां प्रमुख हैं। वे ज्ञान इंद्रियां कौन सी हैं? पहली इंद्री है आंख, आंख का काम है देखना। दूसरी है नाक, नाक का काम है सूंघना। तीसरी है कान, कान का काम है सुनना। चौथी है जिह्वा, जिह्वा का काम है स्वाद लेना। और पांचवी है त्वचा, त्वचा का काम है स्पर्श करना। भाई, यदि इन पांचों इंद्रियों पर संयम का पहरा है तो सब ठीक है, यदि नहीं तो डूबने की संभावना है। पहले जमाने में तो लोग एक दूसरे के बिस्तर पर सोते तक नहीं थे, क्योंकि सबके शरीर की प्रकृति अपनी अपनी होती है। इसलिए कहीं बाहर भी जाते थे तो चादर वगैरह अपने साथ ले जाते थे। पहले के लोग हालांकि सीधे सादे रहते थे, किंतु शास्त्र विधि का प्राय पालन करना जानते थे, इसलिए उन्हें रोग शोक या कोई ऐसी वैसी बीमारी नहीं होती थी तथा हृष्ट पृष्ट भी रहते थे। तो भाई, आप ये बात समझिए कि आप संसार में तो रहें, परंतु संसार को अपने अंदर प्रवेश ना होने दें। दूध में अगर कुछ खट्टा मिल जाएगा तो दूध फट जाएगा। जैसे सागर में कितना भी पानी हो पर नाव पानी के ऊपर तैरती रहती है, नाव को कोई खतरा नहीं। किंतु यदि नाव के अंदर पानी गया किसी छेद से तो नाव की खैर नहीं, फिर तो खतरा ही खतरा है। ऐसे ही आप संसार में रहिए, पर सावधान, कहीं संसार आप में प्रवेश ना कर जाए। तो सागर है संसार, नाव है मनुष्य शरीर और संयम है पहरा यानी सावधानी। भाई, यदि आंखों को बुरा देखने की आदत है तो समझो आंखों में छेद है। कानों को निंदा सुनने की आदत है तो समझिए कानों के छेद खुले हैं। जबान कड़वा बोलती है तो जबान में छेद है, यानी इंद्रियों में छेद है। और बाहर की हवा अंदर आ गई तो सब तरह से खतरा है। और यदि संयम है यानी बाहरी हवा का किसी तरह भी अंदर प्रवेश नहीं है तो मनुष्य इस भवसागर से भगवत कृपा से पार हो जाता है। तो भाई, ये दो साधन हैं, गुरु की शरण उनका सहारा और इंद्रियों का संयम। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।